देश की सबसे छोटी ई कार लॉन्च, कीमत 5 लाख से भी कम, सिंगल चार्ज में जाएगी 200 किलोमीटर। भारत के इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में बीएमवी ईई का फिलहाल कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, हालांकि यह एमजी मोटर की अपकमिंग ईयर ईवी को टक्कर देगी, जिसे अगले साल 5 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्टार्टअप पीएमवी इलेक्ट्रिक ने भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दी है। इस कार को ईई नाम दिया गया है। खास बात यह है कि देश की सबसे छोटी कार है और सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार भी बन गई है। पीएमवी इलेक्ट्रिक ने ईई को 4,79,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। हालांकि यह कीमत पहले 10,000 ग्राहकों के लिए है, इसके बाद कंपनी इसकी कीमत बढ़ा सकती है। दिलचस्प बात यह है कि पीएमवी की ईई का वर्तमान में भारत में ईवी सेगमेंट में अभी कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, हालांकि एमजी मोटर की अपकमिंग ईयर ईवी को टक्कर देगी। कंपनी ने आधिकारिक लॉन्च से पहले ईवी के लिए लगभग 6,000 बुकिंग हासिल कर ली है। इस इलेक्ट्रिक कार को पीएमवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर महज 2,000 रुपए में बुक किया जा सकता है। पीएमवी ईई देश में खरीदी जा सकने वाली सबसे छोटी इलेक्ट्रिक कार है। इसमें एक बार में 2 एडल्ट और 1 बच्चा बैठ सकता है। कार को साफ तौर पर शहर में इस्तेमाल करने के हिसाब से ही डिजाइन किया गया है। इसकी लंबाई 3000 मिलीमीटर से कम, चौड़ाई 1157 मिलीमीटर और ऊंचाई 1600 मिलीमीटर है। कार का व्हील बेस 2087 मिलीमीटर का है, जबकि ग्राउंड क्लियरेंस 170 मिलीमीटर है। साथ ही इस गाड़ी का कर्ब वेट भी 550 किलोग्राम है। पीएमवी ईई माइक्रो इलेक्ट्रिक कार में 3 टाइप की बैटरी पैक का ऑप्शन मिल जाता है। यह एक बार चार्ज करने पर 200 किलोमीटर तक चल सकती है। कंपनी का दावा है कि इसकी सबसे कम रेंज 120 किलोमीटर के करीब होगी या 4 घंटे से अधिक समय में पूरी तरह से चार्ज हो सकती है। माइक्रो कार को किसी भी 15 एम्पियर के चार्जर से चार्ज किया जा सकता है। कंपनी कार के साथ 3 किलोवाट का एसी चार्जर भी दे रही है।